हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है न्यू ट्रेडर द नंबर वन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में। आज हम जानेंगे इचिमोको पेज के बारे में कि इचिमोको पेज को हम किस तरह से देखेंगे। तो इचिमोको पेज जाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पैनल में एनालिस्ट लास्ट आइकॉन है, यह है आपका एनालिस्ट जोन। उसमें आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है इचिमोको डैशबोर्ड, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा इचिमोको डैशबोर्ड पेज। इचिमोको एक जापानीज इंडिकेटर है जो कि काफी पॉपुलर है और इसके जो रिजल्ट्स है काफी सटीक है और काफी अच्छे रिजल्ट्स जो मिलते हैं इचिमोको के बेस पे। हमने इसको इस पेज को दो तरह से डिजाइन किया है, एक है आपका रेडीमेड बेरिश और बुलिश और एक आपका कस्टमाइजेशन जो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। हमने इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम का चुनाव का ऑप्शन भी दिया है, जहां पर अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो 30 और 60 मिनट का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी डे या पोजिशनल ट्रेड्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप डेली और वीकली वाले स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रिफ्रेश टाइम के बारे में डिटेल दे रहा है कि लास्ट रिफ्रेश टाइम और डेट क्या है, और यहाँ पर जो आपको जो यूनिवर्स जो दिया है निफ्टी 500 से लेके सारे कैश मार्केट का डिटेल दिया है। और भी अगर आप नीचे आते हो तो अगर आपको खुद से अगर कोई स्टॉक को सिलेक्ट करना है तो आप उस स्टॉक का नाम लिखकर भी आप उस स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। जैसे ही मैंने रिलायंस टाइप किया तो स्टॉक्स के बारे में रिजल्ट आ गया है। और यहाँ पर आपको यूनिवर्स बास्केट का सिलेक्शन मिलता है, अगर आपको कोई अलग से बास्केट से ही काम करना है तो उसका चुनाव आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि पहले ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है। अगर आप ऑल का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको बेरिश और बुलिश दोनों का रिजल्ट आपको सामने मिल जाता है। बट अगर आपको ये चुनाव करना है कि अगर आपको बुलिश वाले स्टॉक्स ही चाहिए तो आप बुलिश का चुनाव कर सकते हैं। टाइम फ्रेम भी वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए। अगर आपको सारे मल्टी टाइम फ्रेम चाहिए तो आप चारों के चारों भी रख सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप सिर्फ 30-60 मिनट का चुनाव करके देख सकते हैं। तो मैंने जो ऑप्शन लिया है पहला वो है रेडीमेड ट्रेड्स, जहां पर मुझे बुलिश के रिजल्ट दिखा रहे हैं इचिमोको के बेसिस पे कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो इचिमोको के बेस पे बुलिश वाले स्टॉक्स के नाम आपको यहाँ दिख जाते हैं। जब भी अगर आप बुलिश वाले स्टॉक देखते हैं तो आपको बुल्स को देखना जरूरी है, क्योंकि हमने जितने भी बैक टेस्टिंग करके हमने ये देखा है कि जो स्टॉक्स 70 के ऊपर स्कोर दिखाता है वो ज्यादा अच्छे होते हैं, उसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर वो 70 के नीचे है तो उसमें अभी फिलहाल उतना तेजी नहीं बन रही है जितना कि वो 70 का स्कोर क्रॉस करता है। जब अगर यही स्कोर 90 या 90 के ऊपर चला जाता है तो वो आपको एक एग्जॉशन वाला जोन बता देता है, जहां पर आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना है या फिर आपको उस स्टॉक्स में से आपको एग्जिट लेना है। तो फिलहाल मैंने अभी बुलिश वाला सिग्नल लिया है, उसके बेसिस पे मेरे को सारे जो ट्रेड्स हैं आपके सामने आ जाते हैं अल्फाबेटिकल व्यू में। आप इसको शॉर्टिंग भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, जैसे मैंने शॉर्टिंग किया है एक्सिस बैंक जिसका स्कोर 70 के ऊपर दिखा रहा है, तो ये काफी अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है 30 मिनट के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंट्राडे वाले रिजल्ट को स्कैन किया है। बालकृष्णा ये और एक स्टॉक है जो कि बैंक निफ्टी से लेके आपको इतने सारे स्टॉक्स जो मिल रहे हैं जो कि 70 के करीब है, तो आप इन स्टॉक्स के आप चुनाव कर सकते हैं। आप चाहे तो और भी रिजल्ट आप देख सकते हैं, जैसे आप पेजेस को टर्न करते हो तो और आगे आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपको बुल के स्कोर को शॉर्टिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने शॉर्ट किया है तो आइशर मोटर ऐसा स्टॉक दिखा रहा है जो कि बुलिश के हिसाब से 70 का स्कोर है, जो कि एक अच्छा स्कोर साबित हो जाता है जहां पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ आइशर मोटर 30 मिनट के हिसाब से। और ऐसे कुछ स्टॉक्स जो बता रहे हैं जो कि वो एग्जॉशन के करीब आ रहे हैं, जैसे कि 84, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90 से ऊपर जो स्कोर जो होता है वहां पर एग्जॉशन होता है, जहां पर आपको या तो एग्जिट करना है या तो आपको उसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से अगर आपको बेरिश वाले स्टॉक्स देखना है रेडीमेड में तो आप बेरिश वाला स्कैनिंग कर सकते हैं इचिमोको के इंडिकेटर पर। इस तरह से मैंने बेरिश सिग्नल किया है, तो यहाँ पर अभी स्कोर मुझे बुल पे नहीं देखना है, मुझे बेयर पे देखना है, जहां पर बेयर के स्कोर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बेरिश वाले स्टॉक देख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप शॉर्टिंग कर लीजिए अल्फाबेटिकली तो आपको सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं। अगर आपको बेयर में शॉर्टिंग करना है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो अभी भी नए सिग्नल देने वाले जो है, वो है कोल इंडिया, जीएमआई इंफ्रा, नेशनल यूनियन, जो कि 70 के बराबर आपको लेवल पे आ गए हैं जहां पर आप इसको सेल करके मुनाफा बना सकते हैं। इसमें भी आप हर एक पेजेस को टर्न करके आप देख सकते हैं।
तो ये है आपका रेडीमेड सिग्नल्स। अगर आपको और अगर आपके पास जानकारी है इचिमोको से रिलेटेड, तो हमने अलग से एक उनके लिए डिजाइन किया है, कस्टमाइजेशन टॉगल्स दिया है काफी सारे, तो उसके बेसिस पे भी आप अपने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, बट इसके लिए आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए इचिमोको के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही चार्ट्स के अंदर आप देखोगे तो उसमें काफी कॉम्प्लेक्स लगता है इचिमोको समझना, क्योंकि उसमें 5 लाइंस है, अलग अलग लेवल्स है, क्लाउड्स है, तो इसकी जानकारी आपको बराबर से होनी चाहिए, तभी आप इसका सिग्नल आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका जानकारी नहीं है इसके बारे में तो आप इस पर निर्भर रह सकते हैं, बुलिश और बेरिश वाले। अगर आपको अच्छी खासी जानकारी है इचिमोको के बारे में तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। किस तरह से, जैसे अगर मुझे सिग्नल बेस्ड ट्रेड चाहिए मेरे अपने बनाए हुए, तो मैं बुलिश सिग्नल देखूंगा कि मुझे ऐसे स्टॉक बताइए जो कि सीएस लाइन जो है बुलिश होना चाहिए, तो मैंने इसको चेकमार्क कर लिया हूं, तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगा। मैं इसको ऑल कर देता हूं ताकि मुझे सारे सिग्नल मिलने चाहिए। अब मैंने सीएस बुलिश का सिग्नल का चुनाव किया है क्योंकि मैं अभी बुलिश वाले स्टॉक देखना चाहता हूं, तो और भी मैं इसको ट्यूनिंग कर सकता हूं कि सीएस बुलिश जो स्टॉक्स मैं लेना चाहता हूं उसमें मेरे क्लाउड्स कैसे होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए या थिक होने चाहिए, या केएस लाइन फ्लैट होना चाहिए या टीएस लाइन फ्लैट होना चाहिए, इसके सारे चुनाव मेरे पास है। तो मैं अपने हिसाब से, मेरी सहूलियत के हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ जो सीएस बुलिश स्टॉक्स जो होने, जो स्टॉक्स में सीएस बुलिश हो रहे हैं उसका क्लाउड जो है थिन होना चाहिए, तो वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो रिजल्ट फिल्टर कर देता है। और भी अगर मुझे और भी फिल्टर्स अगर उसमें डालना है तो वो भी मैं चुनाव कर सकता हूँ कि प्राइस जो है क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, तो वो मैंने सिलेक्शन दे दिया, तो उसके हिसाब से मुझे सारे रिजल्ट मिल गए हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पर आपको जब भी अगर आप कस्टमाइजेशन करते हो तो स्कोर को आपको इतना इम्पोर्टेंस देना नहीं है। स्कोर का इम्पोर्टेंस तभी है जब अगर आप रेडीमेड चीजें देखते हैं जैसा बेयरिश और बुलिश, तब आपको 70 का स्कोर या 90 का स्कोर पे आपको ध्यान देना है। जब आप कस्टमाइजेशन करते हो तो आपको स्कोर पे ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि ये आप अपना खुद का सेटअप बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने अपने कुछ बनाए हुए सेटअप्स को मैं ट्रैक कर सकता हूँ और फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ। उसी तरह से मैं बेरिश वाले स्टॉक्स को भी देख सकता हूँ कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो बेरिश हो रहे हैं, जहाँ पर सीएस बेरिश है और थिन फ्यूचर क्लाउड होना चाहिए, और या तो फिर प्राइस जो है क्लाउड के नीचे होना चाहिए। इस तरह से मेरे कुछ फिल्ट्रेशन हो गए ऑटोमेटिक, इस तरह से वो रिजल्ट आ गए हैं। आप इस पेजेस को भी आप लिमिटेड कर सकते हैं, अगर आपको 5 ही चाहिए कि एक पेज में आपको 5 रिजल्ट आना चाहिए, या फिर एक ही पेज में आपको 30 के रिजल्ट आना चाहिए, वो उसका चुनाव भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पेज को प्योरली इचिमोको से रिलेटेड बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने इसमें फीचर किया है। जिनको अगर बेसिक से काम करना है तो वो इसका हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको एडवांसली काम करना है, बट इसके लिए आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए कि इचिमोको किस तरह से है और उसके लेवल्स कैसे होते हैं, क्लाउड कैसा काम करता है, अलग अलग लाइंस कैसे काम करते हैं। जब तक अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो आप इसका ऑप्शन ना ले, वही बेहतर होगा। अगर आपको और डिटेल में जानना है इचिमोको के बारे में तो डॉक्टर सी के नार ने स्पेशली एक वीडियो बनाया है इचिमोको के ऊपर, आप उस वीडियो को देखकर इस सिग्नल को और अच्छे से फिल्ट्रेशन करके ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं इस पेज से। तो इस तरह से हमने इस पेज को डिजाइन किया है, तो बने रहिए इसी तरह से हमारे इस वीडियो में, हमारे चैनल में। हम इसी तरह से और अच्छे से वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। तब तक के लिए